और अब बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस का हाथ जोड़ो अभियान और क्या 24 में आएगी जान, ये सवाल कांग्रेस के सामने चुनौती बनकर खड़ा है। और अब इसी चुनौती को भेदने के लिए कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर 26 जनवरी से हाथ जोड़ो अभियान शुरू करने जा रही है, जिसका एक लोगो जारी किया गया। कांग्रेस के इस अभियान का मकसद सरकार की विफलता को लोगों तक पहुंचाना है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस के इस अभियान से यूपी में कांग्रेस मजबूत होगी, क्योंकि यहां पिछले 3 दशक से कांग्रेस हाशिए पर है। कांग्रेस में आएगी जान, 26 जनवरी से हाथ जोड़ो अभियान, 6 लाख गांवों पर नजर, कितनी मुश्किल 24 की डगर। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अभी खत्म भी नहीं हुई है कि उससे पहले कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की तैयारी शुरू कर दी है। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए, क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 30 जनवरी को श्रीनगर में खत्म हो जाएगी। लेकिन उससे पहले 26 जनवरी से कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू हो जाएगा। इस अभियान का मकसद 26 जनवरी से 26 मार्च तक देश की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों और 6 लाख गाँवों तक पहुँचने का है। Some state selections are going in between. So we may extend for 1 or 2 months again, but it will start on 26th. अकमी ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण है। इसके बाद तीसरा चरण भी हो सकता है, चौथा चरण भी हो सकता है, पर अब के लिए दूसरा चरण ही कांग्रेस संगठन जुड़ जाएगा। 10 लाख इलेक्शन पोलिंग बूथ हैं, 2.5 लाख ग्राम पंचायत हैं, 6 लाख गांव हैं, और संगठन की ओर से हर एक राज्य में प्रयास किया जाएगा। इस अभियान के जरिए कांग्रेस अपनी नीति, अपनी बात गांव-गांव जाकर लोगों को बताएगी और सरकार की विफलताओं से भी उनको अवगत कराएगी, क्योंकि कांग्रेस का दावा है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो इनपुट उसे देश के अलग अलग राज्यों से मिला है, उसी के आधार पर उसने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने आज हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के लिए अपने लोगों को लॉन्च कर दिया है। जाहिर तौर से बात है कि कांग्रेस पार्टी 26 जनवरी से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत करने जा रही है, जिसमें देश भर के तमाम राज्यों में पहले ही प्रभारी नियुक्त किए जा चुके हैं, जो कि इस पूरे अभियान को आगे बढ़ाएंगे। हाथ से हाथ जोड़ो कैंपेन में कांग्रेस पार्टी प्रत्येक घर पर पहुँच के तमाम जो घर के निवासी हैं उनसे मुलाकात करेगी और उसमें केंद्र सरकार की नाकामियों को बताएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का असर उत्तर प्रदेश में नजर आएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इसकी कमान प्रियंका गांधी के कंधों पर होगी। जितना भी उत्तर प्रदेश में तैयारियों का जो सिलसिला चल रहा है, सारा का सारा नेतृत्व आदरणीय दीदी प्रियंका जी कर रही हैं। उनकी देखरेख में इसे हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को चालू किया जा रहा है और जो भी उनके दिशा निर्देश, जो भी सलाह होती है, उसी पर हम लोग काम करेंगे। तो इसमें तो एक हम मान लीजिए जिस तरह से वो रोड मार्च करते हैं, तो ये तो कुछ लोगों को जो पर्टिकुलर जो पहले दिन से लोग जितने लोग जुड़ते हैं वही लास्ट तक पूरे उनके कार्यक्रम में शामिल होते हैं। नए नए जगहों पर उत्सुकतावश कुछ लोग जुड़ जाते हैं, तो अपने आप को केवल लोकसभा के चुनाव तक बने रहने के लिए इस तरह के अभियान लेकर के आ रहे हैं। उनको किसी ने गाइड किया है कि अगर भाई आप या तो बिल्कुल गायब हो जाएंगे, भाई आप जिले पे रैली कर नहीं सकते हैं, मंडल पे रैली आपकी हो नहीं पाएगी। दरअसल कांग्रेस के लिए मुश्किल ये है कि जिस यूपी में लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं, वहां उसका ग्राफ चुनाव दर चुनाव गिरता जा रहा है। अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि लोकसभा में उसके पास यूपी में सिर्फ 1 सीट है, जो बताती है कि जिस राज्य से भाजपा सबसे बड़ी बढ़त बनाती है, उस राज्य में कांग्रेस कितनी कमजोर है। अब सवाल इस बात का है कि क्या कांग्रेस यूपी में अपनी पुरानी जमीन दोबारा से बना पाएगी, या फिर कांग्रेस की सारी कोशिश भाजपा, सपा और बसपा के आगे हवा हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।